अरे बाबा कितनी नींद आ रही है, किच 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 छोने दो मेरे को। लाइट किच 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 इतनी बंद कर। तो छुंदा बिल्ली किसने देखी है? याद है तुझे, फिल्म इतनी बनाती है, इतनी छुंदा बिल्ली किसने फिल्म देखी है? बनाती है। इतनी छुंदा इतनी 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 सरपंच पॉलिश नहीं बोला था बिल्ली मेरे को, फिल्म किसी इतनी बनाती है, पॉलिश फिल्म। बुड्ढी नहीं बिल्ली बोल रही थी ये, भी मामी यही बोल रहा है मुझे, इतनी पॉली बिल्ली किसी ने देखी है? अरे देखो ये कितना पॉ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, बट मैं आज सुबह से ठीक नहीं थी। ऐसे ठीक दिख रही हूँ बट ठीक नहीं, मतलब नहीं थी। और सबको जुमा मुबारक, अभी तो शाम हो गई है, मगरिब भी हमने पढ़ ली है। तो मॉर्निंग से बस खाली ऐसे ही फील हो रहा था कि बहुत लो फील कर रही थी वैसे, बट ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं किया। मैं नहाई हूँ मॉर्निंग में, उसके बाद पार्लर गई हूँ, पार्लर में भी मैंने काम किया। बट जब जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर आई, और आने के बाद मुझे पार्लर में थोड़ा सा ना स्लिपरी जैसा लग रहा था कि मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल मसाज वगैरह करने की, फेशियल करने की हिम्मत लग ही नहीं रही थी मुझे। तो मैं घर आई, आने के बाद मैंने इरादा चेंज कर दिया, क्योंकि फिर जब हम नमाज के लिए आते हैं उसके बाद 4 बजे के बाद वापस मैं चली जाती हूँ। बट मैं सोई तो ऐसे मुझे दिन में नींद आती नहीं है, बट मैं सोई तो सोई गई। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मतलब फीवरिश फील हो रहा था मुझे। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओमिक्रॉन अभी आया नहीं है यहाँ पर, बहुत दूर है ओमिक्रॉन। लेकिन ओमिक्रॉन से डरने वाली बात भी नहीं है एक्चुअली। मैं आज देख रही थी, दिल्ली के डॉक्टर्स जो है थे वो बता रहे थे कि ओमिक्रॉन ये है कि एक वेरिएंट है, लेकिन जो पहला वाला वेरिएंट था कोविड का, तो उससे ज़्यादा खतरनाक ये नहीं है। इसको हम घर पे रह के भी ठीक कर सकते हैं, बट हाँ इसका एक इलाज ये है कि आप जितना हो सके गैदरिंग से दूर रहें, और जितना मतलब आसपास में अपने जो लोग हैं उनसे दूर रहें। जब आपको ऐसा लगता है, ऐसा ऐसे भी कोल्ड एंड कफ जो है ना, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो फैलती है। तो उसमें भी नॉर्मली डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप थोड़ा मतलब एक दूसरे से मतलब थोड़ी दूरी बनाए रखें। उसी तरीके से ओमिक्रॉन का भी यही सिस्टम है कि दूरी बनाए रखें, और टैबलेट्स खानी है फीवर की, दो दिन में 2 बार खानी है। अगर तब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपने दिन में मतलब तो 4 टाइम आपने टैबलेट लेनी है, डोलो 650। तो उससे अगर फीवर कंट्रोल में आ जाए तो एंटीबायोटिक भी, अभी आप डॉक्टर के पास जाओगे ना तो डॉक्टर्स ने तो एंटीबायोटिक्स की लिस्ट लगा मतलब पूरा लिस्ट दे देनी है। तो इसीलिए बेस्ट ये है कि आप घर पे अपना इलाज करो, जैसे सर्दी जुकाम के लिए जैसे काढ़ा वगैरह घर पे हम जब बनाते हैं वो बनाओ। बस इतना है कि आपका चेस्ट कंजक्शन नहीं होना चाहिए, चेस्ट में जो कंजक्शन है वो नहीं होनी चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है वो उसका असर भी ख़त्म हो जाता है, और ओमिक्रॉन से इतनी डरने वाली बात नहीं है जैसे कि अभी पहले कोरोना को लेके डर रहे थे लोग। और अभी ओमिक्रॉन सिर्फ नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज भी नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा ये कोविड से थोड़ा सा मतलब इसको हैंडल हम कर सकते हैं। सिम्टम्स इसके जानना थोड़ा दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि बहुत आम से सिम्टम्स हैं, क्योंकि कोरोना में थोड़ा सा कुछ था भी कि हम उसके सिम्टम्स जो है कोरोना के पता कर सकते थे। बट इसका लेकिन जो एक टेस्ट जो होगा ना, ओमिक्रॉन का एक टेस्ट जो होगा, वो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा
कॉस्टली पड़ेगा, तो इसीलिए ये बीमारी जो है ना वो गरीबों को तो बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए कि टेस्ट वगैरह पे इतना खर्चा करें। तो फ्रेंड्स अब आज मतलब कुछ भी नहीं है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया वीडियो, और मैं शायद आपको आज रेसिपी दिखाऊंगी, वो भी कौन सी, हाँ फ्राइड राइस जो है मैं बना रही हूँ, क्योंकि कल हिना के जो गोभी और आलू हमने खाए ना, उसके बाद जो है ना खाने पर से मन उठ गया बंदे का, खाने पर से। हम लोग आज 1 घंटा घर में डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या बनाएं, कोई भी सब्जी जो है ना वो मतलब पसंद ही नहीं आ रही थी कि हाँ उसको खाए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो मजाक कर रही हूँ। आज कुछ मूड ही नहीं था बनाने का, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सब्जी खाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, और चिकन भी खाने का ऐसे प्रॉपर मन नहीं था कि हाँ चिकन का कोई कुछ चीज़ बनाए। तो इसीलिए फिर ऐसा हुआ कि वेज और नॉन वेज का मिक्सचर मैंने कर लिया। मैंने बोला चलो फ्राइड राइस बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हुआ बनाया भी नहीं है, और मेरी चैनल पर भी रेसिपी बहुत शायद बहुत पहले चढ़ी थी, तो इसीलिए ये रेसिपी आपके साथ बहुत सिंपल वे में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ फुल वीडियो को वॉच करना, स्किप मत करना। सारे बात करने में लग जाओ सारे, हाँ ये वही तो है, वो तो करना था। कल जाएंगे हम लोग सारे कश्मीर, ठीक है, मतलब जल्दी है ना, वहां देख के आएंगे। नोई हाँ हाँ ठीक है, ओ ओ ओ बड़ी बड़ी हड्डी उठाई, बड़ी बड़ी हड्डी उठाई, नहीं लेते ठीक है, इसको नहीं लेते। गांधी बिल्ली, हाँ फिर कल उधर गई थी तुझे वहां, आ आ उसको भी नहीं, उसको भी नहीं, उसको भी नहीं, कल गई उसको भी नहीं लेते, उसको भी नहीं लेते, उसको भी नहीं लेना है। अच्छा मम्मी आपने कल देखा, आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे। उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना, बड़ी वाली को नहीं लेना, बड़ी वाली को नहीं लेना, बड़ी वाली को नहीं लेना। ये तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और जैसे कि मैंने बताया आपको कि बहुत क्विक वाली जो रेसिपी है ये बना रही हूँ, क्विक तो कुछ भी नहीं होता, काटने में तो टाइम लगता ही है। तो अब मैंने क्या किया है कि जो फ्राइड राइस के लिए जो चावल होते हैं ना, वो चावल मैंने सीधे कुकर में डाल दिया है, और कुकर में ये जल्दी से जो है ये बन जाएगा। तो मैंने ये चावल जो है 1 किलो से कम लिया है, 1 किलो से थोड़ा ही कम लिया है, अब इसको मैंने लगा दिया सीटी, और तब तक मैं यहाँ पर अपने जो सारे मसाले वगैरह हैं वो फ्राई कर लूंगी। तो मैंने थोड़ा सा जो ये बर्तन है मैंने बड़ा लिया है, क्योंकि अच्छी तरीके से चावल को जो है ना वो फ्राई करना है, तो आराम से वो खुल जाएंगे। तो अब इसमें मैंने पहले डाल दिया तेल, तेल जैसे गर्म होता है, प्याज डाल दूंगी, प्याज मैंने यहाँ पर बहुत कम ली है, मैं पहले ये पूरा जो है फ्राइड राइस का जो ये मसाला है ये तैयार करके रख दूंगी, और बस हम चावल का ही वेट करेंगे, तो चावल भी बन जाएंगे जल्दी, क्योंकि तो हमने कुकर में डाल दिया है। तो यहाँ पर लिया है बीन्स और प्याज की पत्ती, और मैंने लिया है शिमला मिर्च, और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो पहले मैं डालूंगी बीन्स, हाँ
ये रख दो, फूल बहुत ज़्यादा है। तो हर एक सब्जी को ना अच्छी तरीके से हम पकने देंगे। ये चम्मच बहुत आवाज़ कर रहा है। इसमें थोड़ा सा होता है ना क्रंचीनेस और कच्चापन, वो मुझे पसंद नहीं आता, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो है वो पकाऊंगी। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो ये बीन्स को ही लगेगा, और अगर शिमला मिर्च थोड़ी सी रही भी तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं डाल दूंगी शिमला मिर्च। जैसे मैंने बताया आपको कि 1 किलो से कम चावल है, तो उसके लिए सब्जियां ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा सब्जी इसके अंदर। और अब इसमें मैं डाल दूंगी प्याज की पत्ती। अब इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है। नमक में चम्मच भी नहीं रखा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्ची काटी है, ये सारा ग्रीन ग्रीन हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसमें थोड़े से टमाटर डालूंगी, अदरवाइज इसमें टमाटर नहीं डालते हैं। मैं तो नहीं डालती क्योंकि सिरका वगैरह इसमें आता है, तो टमाटर की ज़रूरत नहीं होती है। हर एक चीज़ को फ्रेंड्स आपने सिर्फ 2-2 या 3-3 मिनट तक पकाना है। अब ये श्रेडेड चिकन, ये मैंने कुछ 300 ग्राम चिकन लिया हुआ है और इसको श्रेड कर दिया है। इसमें मैंने डाल दिया 1 से 1.5 चम्मच मैंने जो है विनेगर डाला है। सोया सॉस भी मैं डालूंगी।
समझो 1 से 1.5 चम्मच। फिर वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि ज़्यादा अगर सॉस डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वो अजीब लगेगा। और अब इसमें ग्रीन चिली जो है वो डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी शेजवान चटनी। तो फ्रेंड्स अभी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। चावल कहते हैं ना कि सोचा तो कभी होता नहीं है, चावल ऐसे बन रहे हैं क्योंकि सीटी लगी नहीं कुकर को। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट ये बन चुके हैं, सिर्फ थोड़ा सा दम इसको करना है। बस 5 मिनट के दम के बाद इसको मैं वो इसमें मिक्स कर दूंगी। तो मैंने और कुछ भी नहीं डाला इसमें, हल्दी भी नहीं डाला है, मैंने सिर्फ नमक डाला है इसके अंदर। तो चावल बन गए हैं, अब मसाले का एक लास्ट स्टेप रहता है जिसमें मैं अंडे डालूंगी। आग फड़के ना तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 3 अंडे ले लिए हैं। नमक और इसका नमक डाला है, तो अब इसमें मैं अंडे का नमक भी डाल दूंगी ताकि कोई चीज में कमी ना लगे। फ्रेंड्स अंडे मैंने इसमें डाल दिए हैं और उसको अब मैं 2 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। दो मिनट के बाद हम इसमें चावल जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी इसमें अंडे भी मैंने डाल दिए थे और इसको ढक के भी रख दिया और ये अच्छी तरीके से पक चुका है। अब बारी है इसमें चावल की। अच्छी तरीके से पहले मिलाकर देखेंगे। Thank you.
देखें। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने चावल डाल दिया है, अब इसको मैं 2 मिनट जो है सिर्फ दम के लिए छोड़ूंगी कि अच्छी से इसको भाप आ जाएगी, अच्छे से स्टीम्स में बैठ जाएगी, तो सारा जो मसाला है और इसका सब कुछ जो है वो चावल के अंदर आ जाएगा। तो मिलती हूँ आपको 5 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए फ्राइड राइस बनके बिल्कुल रेडी, और घर का फ्राइड राइस है, इसमें कुछ भी आपने देखा कि कुछ भी ऐसी कोई जंक फूड नहीं है, कुछ नहीं है, ऑयल वगैरह जो भी हमने डाला है सब कुछ सब अच्छा है। इस तरीके से आप फ्राइड राइस घर में बना के खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो आपको मैं एक बार प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए घर का बनाया हुआ फ्राइड राइस बनके रेडी, और आपको देखने में भी बिल्कुल बाहर के फ्राइड राइस जैसा ही लग रहा होगा और टेस्ट में भी उससे अच्छा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये जरूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट तो बनता है। तो मिलूंगी आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।